राजीव खंडेलवाल वंस अगेन वेलकम्स यू टू दिस सेशन. और आज का हमारा सेशन है टीडीएस ऑन रेंट के ऊपर. तो आप सोचेंगे कि टीडीएस ऑन रेंट पे कोई नए सेशन की क्या ज़रूरत है, तो सेक्शन 194 आई बहुत पुराना सेक्शन है. लेकिन आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर जो एक नया चेंज आया था टीडीएस ऑन रेंट ऑन प्रॉपर्टी के बारे में. तो सबसे पहले हम tin-nsdl.com की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं एक लिंक है TDS on rent on property, सो वी विल क्लिक दैट. तो ये हमारे को नए लिंक पे ले जाएगा जिसमें इस सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. नॉर्मली जैसे आपको पता है कि कोई भी हम रेंट की पेमेंट करते हैं और एनुअली अगर 120,000 से ज़्यादा होती है तो हमें TDS 10% डिडक्ट करना होता है, और मशीनरी के केस में भी डिफरेंट चीज़ होती है, तो वो तो हमें पता ही है. लेकिन अगर इंडिविजुअल्स और HUF जिनको टैक्स ऑडिट पिछले साल में एप्लीकेबल नहीं होता उनके केसेस में जनरली TDS की लायबिलिटी नहीं आती, जनरली नहीं होती. लेकिन उन्होंने ये जो नया सेक्शन लाए हैं लास्ट ईयर 2017 में सेक्शन 194IB, उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दे दी है टू पीपल जो इंडिविजुअल या HUF हैं और जिनको लास्ट ईयर उससे पिछले वाले साल में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं भी था, लेकिन उनको कुछ केसेस में TDS डिडक्ट करना पड़ेगा जो वो रेंट पे कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल रेंट है चाहे रेजिडेंशियल रेंट है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं की गई. तो रेंट अगर 50,000 से ज़्यादा है पर मंथ, और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है, आप ध्यान रखें कि जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है दोनों रेजिडेंट होने चाहिए, तो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा. तो दोनों अगर लैंडलॉर्ड भी रेजिडेंट है और टेनेंट भी रेजिडेंट है तो 194IB विल बी एप्लीकेबल. और जिन केसेस में मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा है उस केस में 194IB में 5% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा. अब इंडिविजुअल्स और HUF के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि वो पैन उनको इसके लिए टैन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि TDS डिडक्ट करने के लिए तो टैन नंबर लेना ज़रूरी होता है. बट यहाँ इन्होंने एक रियायत दी है ऐसे लोगों को कि टैन नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैन नंबर के बेसिस पे आप टैक्स डिपॉजिट कर पाएंगे. जैसे प्रॉपर्टी के केस में इन्होंने दिया हुआ था, आपको पता है वहाँ पैन बेस था, तो इसी तरह से इन्होंने रेंट के केस में भी इंडिविजुअल्स के और HUF के केस में कह दिया कि पैन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैन से आपका काम हो जाएगा. और दूसरी रियायत इन्होंने ये दी है कि हर महीने आपको टैक्स नहीं काट करके जमा कराना. नॉर्मली आपको पता है कि ये हर मंथ नॉर्मल केसेस में तो आपको हर मंथ TDS डिडक्ट करना होता है और बाय 7th आपको डिपॉजिट कराना होता है, तो वो चीज़ नहीं है. यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है कि आप पूरे साल का रेंट एक बार लास्ट में जो मंथ होगा उस मंथ में आप डिडक्ट कर लें और एक साथ डिपॉजिट कर दें. या तो नॉर्मली अगर पूरे साल आपका रेंट चल रहा है, रेंट एग्रीमेंट है पूरे साल के लिए और टेनेंसी पूरे साल रहती है, तो मार्च के महीने में ये काम करना है. और अगर मान लीजिए बीच में कहीं आपका रेंट एग्रीमेंट एंड हो जाता है तो जिस मंथ में एंड होता है उस मंथ में ये काम करना है. तो उस जो लास्ट मंथ है ऑफ टेनेंसी या लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसमें हमें TDS डिडक्ट करना है 5% के हिसाब से पूरे साल का या पूरे पीरियड का, और उसको एक इंस्टॉलमेंट में ही जमा करा देना है. और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें अगर कुछ हैं तो, ये इन्होंने इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में. और ये जो आपको जमा कराना है, ये जो आपको डिपॉजिट करना है, ये आपको फॉर्म 26QC में जमा कराना है. ये फॉर्म 26QC ना सिर्फ एक चलान है जो आपको डिपॉजिट करना है टैक्स, बट ये TDS स्टेटमेंट भी है, क्योंकि ये TDS स्टेटमेंट है और जान के उन्होंने उसको TDS स्टेटमेंट बनाया है ताकि अगर आप डिले करेंगे तो आपको लेट फाइलिंग फ़ी भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी इसके लिए. तो उसका हमें ध्यान रखना है कि टाइमली हमें करना है. जैसे नॉर्मल केसेस हमारे जो पूरे साल टेनेंसी रन करती है मार्च तक की, तो उस केस में जो मार्च का रेंट है उसमें से आप डिडक्ट कर लीजिए अमाउंट को, TDS के अमाउंट को 5% को, और उसको आप 30th April तक डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर्म 26QC में. और उसके बाद आपको TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16C में इशू करना पड़ेगा जो ट्रेसेस की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ऑब्वियसली आपको एज अ टैक्स पेयर पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा. अभी हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें देखी नहीं है, तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये काम कैसे करना है. तो यहाँ आप अब देखेंगे ऑप्शंस ये अलग आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये तो सबसे पहले टैक्स डिपॉजिट की ऑप्शन में हमें जाना है, तो ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग TDS ऑन रेंट ऑन प्रॉपर्टीज पे हम क्लिक करते हैं. तो ये नया लिंक खुल गया, ये ई पेमेंट का जो लिंक है हमारा वो खुल गया है.
इस पे अब हम क्लिक करके इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। तो यहां हम इंफॉर्मेशन फीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ टैक्स आपको नहीं देना, वो अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर भी आपके जो डेट डालोगे उसके बेसिस पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, डालने की जरूरत नहीं है। TDS ऑन रेंट ऑप्शन है, यहाँ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेटस ऑफ द लैंडलॉर्ड आपको देना है, तो उसमें आप रेजिडेंट डाल देंगे। और यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ आपको टेनेंट देना है, तो वो आप डाल दीजिए। ये हमने टेनेंट का डाल दिया और ऑटोमेटिकली कैटेगरी इंडिविजुअल आ गई। आपको रिकन्फर्म करना पड़ेगा, गलती ना करें आप, तो हम ये दोबारा डाल देते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बाद में दिक्कतें होंगी, तो थोड़ा सा उन्होंने ये चेक लगा रखा है, तो ये अच्छी चीज़ है। ये हमने इनका डाल दिया। अब हमें लैंडलॉर्ड का पैन नंबर डालना पड़ेगा और कैटेगरी ऑफ पैन अपने आप आ जाएगा। और यहाँ फिर हमें दोबारा एक बार रिकन्फर्म करना पड़ेगा पैन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड, ये हमने डाल दिया। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस ऑफ द टेनेंट यहाँ डालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एस्टेरिक मार्क फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, तो बाकी ऑप्शनल फील्ड्स हैं, तो हम इनको छोड़ सकते हैं। तो इनको फिल करके हम ईमेल आईडी मैंडेटरी है क्योंकि वो हमें डालना चाहिए, तो ये हम डाल देते हैं। ये हमने ईमेल आईडी डाल दिया। ये ध्यान रखें अगेन, क्योंकि कम्युनिकेशन इस आईडी पे होगी तो गलत नहीं होना चाहिए, एक बार डाल के आप चाहे चेक कर लें। उसी तरह से आपको मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर आप जो टेनेंट है उसका डाल दीजिए। अगेन बी केयरफुल विद मोबाइल नंबर, ये हमने डाल दिया। सेलेक्ट वेदर मोर देन वन टेनेंट, अगर एक से ज़्यादा टेनेंट है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो आप कह दीजिए नो। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आपको लैंडलॉर्ड की डिटेल्स देनी है, तो ऑप्शनल वाली फील्ड्स हम डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं उनको, और जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो हमें फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ हम ईमेल आईडी और बाकी चीज़ डालते हैं, कुछ चेंज करना है जो ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं, और मोबाइल नंबर डालेंगे। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। वेदर मोर देन वन लैंडलॉर्ड, अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कह दीजिए नो। उसके बाद हमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी होंगी, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस, रेंटेड कैटेगरी कौन सी है, लैंड है, बिल्डिंग है, शॉप्स है, या बोथ है। तो अपार्टमेंट्स हैं तो हम अपार्टमेंट अगर है तो वो डाल देते हैं, जो भी रेलेवेंट है उसको डाल देते हैं। नेम ऑफ द प्रेमिसेस बिल्डिंग वगैरह, तो यहाँ हम एड्रेस डाल देते हैं प्रॉपर, जो एड्रेस ऑफ द टेनेंटेड प्रॉपर्टी है। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद पिन कोड हम डाल देते हैं। उसके बाद फिर और टेनेंसी की डिटेल्स और पूछ रहे हैं वो, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टेनेंसी। तो वैसे तो अगर पूरे साल था, यहां 12 मंथ्स हम नॉर्मली डाला करेंगे, लेकिन अब ये बीच में देखिए एक्सपायर भी करेगा तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ टेनेंसी, क्योंकि यहाँ ये जो प्रोविजन एप्लीकेबल हुई है ये 1 जून से एप्लीकेबल हुई है, 1 जून 2017, तो आई थिंक यहाँ हमें 10 मंथ्स डालना चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेबल, यहाँ भी ध्यान रखिए ये सिर्फ आपको अप्रैल मई का नहीं देना, जून ऑनवर्ड्स देना है, क्योंकि TDS वाली प्रोविजन सबसे ही एप्लीकेबल हुई है। तो लेट से द अमाउंट इज 7,557,500 टोटल अमाउंट जो है रेंट का पूरे पीरियड का मई ऑनवर्ड्स वो हमें देना है। वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन द लास्ट मंथ, जो भी अमाउंट है आपका वो डाल दीजिए, नॉर्मली सेम ही होगा मंथ में, कहीं फर्क होता है तो ऑब्वियसली आपको देख के डालना है। फिर उसके बाद आपको अमाउंट इन वर्ड्स डालना पड़ेगा, इधर नीचे करोड़ लैक्स, सो 7 लैक्स
हमें रेलिवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड फाइव, तो ये हमने डाल दिया इधर। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, अगेन किस दिन पेमेंट किया था या क्रेडिट किया था वो आपको डालना पड़ेगा। तो लेट्स से ये 1 मार्च की डेट थी, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सो फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली आ गया, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है, तो ये हमें पता लग गया कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टैक्स डिपॉजिट की डिटेल्स, टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड यहाँ क्या है हम चेक कर लेते हैं। री एंटर अमाउंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड, तो यहाँ अगेन 7,57,500 ये हमने फिगर डाल दिया। रेट ऑफ TDS 5% ऑटोमेटिकली आ रहा है, और बेसिक टैक्स का अमाउंट या TDS का अमाउंट वो हम डाल देते हैं। वैसे ऑटो पॉपुलेट भी कर सकते थे, इनको खुद कर देना चाहिए था बट इन्होंने नहीं किया है तो हम डाल देते हैं। और इंटरेस्ट अगर कोई आप लेट पेमेंट कर रहे हैं, टाइम से आपने डिपॉजिट नहीं किया, 30 अप्रैल तक आप डिपॉजिट नहीं कर रहे मार्च वाला, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर आपने ये लेट किया ये फॉर्म फाइल, तो भी आपको लेट फाइलिंग फी पर डे विच इज रुपीज 200 पर डे की लेट फाइलिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ इंश्योर कि हम ये टाइमली फाइल कर दें ये वाला फॉर्म। तो हमारा अभी कुछ भी नहीं है, तो हमने ये अमाउंट वगैरह डाल दिया, अमाउंट इन वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ गया। और फिर उसके बाद हमें डेट ऑफ डिडक्शन डालनी है, तो डेट ऑफ डिडक्शन और डेट ऑफ पेमेंट दोनों सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो डिमांड आ सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद हमारे पास मोड ऑफ पेमेंट, दो तरीके के पेमेंट हम कर सकते हैं। ई टैक्स पेमेंट इमीजिएटली, यहाँ इमीजिएटली टैक्स की पेमेंट हो जाएगी, आपके इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट पे ले जाएगा और वहाँ से आप पेमेंट करके इसको क्लोज कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है उस टाइम आप किसी वजह से ना कर पाएं या किसी और ने पेमेंट करनी है, तो उस केस में हम ई टैक्स पेमेंट ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। और नीचे आपको ये कैप्चा डालना पड़ेगा, तो ये हम डाल देते हैं, कैप्स में डाल देते हैं। नॉर्मली फिर एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि इसमें कैप्स में ही आ रहा था, तो ये हमने डाल दिया। और नीचे कुछ चीज़ें, अगर कोई ज़रूरी चीज़ें हम देख लेते हैं, कह रहे हैं डबल कोट्स में, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कुछ भी ना डालें, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या है, बाकी चीज़ें हमने आई थिंक बात कर लिया। तो अब ये हम एक बार चाहें तो इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, एक बार कुछ चीज़ें और हमें देखनी है कोई, एक बार रिकन्फर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। वैसे शायद आगे भी एक बार आपको दिखाया जाएगा, रिकन्फर्म करनी सबमिट करेंगे नहीं तो चला जाएगा। यस, और हम इसको नीचे आके इसको हम सबमिट करते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। लेट अस प्रोसीड। अब देखिए इन्फॉर्मेशन जो हमने फीड करी थी वो आ गई, कुछ और इन्फॉर्मेशन जो ऑटोमेटिकली आनी थी पैन नंबर से जो नेम आता है वो भी आ गया है। ये पूरा नाम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस, अब पूरा नाम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि ये पैन एक्टिव है या नहीं है, ये सब चीज़ें अब आपको बता रहे हैं। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड करी थी वो सामने आपके एक बार दोबारा आ गई, ताकि आप चेक कर पाएं। डेट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट, डेट ऑफ डिडक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, अदरवाइज नोटिस आ सकता है। और बाकी चीज़ें जो हमने करी थी वो सब इधर आ गई हैं, इनको हम चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट में ऑफलाइन आ रहा है, अब हम इसको अगर कंफर्म कर देते हैं, लेट अस कंफर्म दिस। ये उसने नंबर दे दिया, काइंडली सेव दिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और ये पैन नंबर आ गया, दोनों के पैन नंबर आ गए, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का, और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गई। तो ये वाली एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहे आप कहीं नोट कर लें या इसको स्क्रीनशॉट को सेव कर लें तो बाद में आपको दिक्कत ना हो, तो एक बार हम नोट कर लेते हैं इसको। दिस इज RAA0325286। तो इसको हम देखते हैं क्या इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। कुछ और यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, दिस शुड बी प्रेजेंटेड टू द बैंक। अगर आप फिजिकल चालान से डिपॉजिट कराना चाहते हैं, बैंक भी वैसे ई पेमेंट ही करेंगे आपके बिहाफ पे, लेकिन आप बैंक ब्रांच में जाके भी इसकी पेमेंट करा सकते हैं, लेकिन इवन द बैंक विल डू द ऑनलाइन पेमेंट। तो अब ये सेव एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको सेव एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं।
सेव एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर पेमेंट थ्रू बैंक ब्रांचेस, इस पे हम क्लिक करके कर सकते हैं, तो ये हमारी, ये वाली हमारी सेव हो जाएगी। सेव कर लिया हमने इसको, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। और उसके बाद और क्या हमारी नीचे ऑप्शंस आ रही थी, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर पेमेंट थ्रू बैंक ब्रांचेस या प्रिंट फॉर्म 26QC, ये फॉर्म हम अपना प्रिंट कर लेते हैं। इसका सेव, वी विल सेव दिस कंफर्मेशन पेज, इसको हमने फोल्डर में किसी में सेव कर सकते हैं। इसमें हमने सेव कर लिया, 26QC के नाम से भी आप सेव कर सकते थे। एक बार हम खोल के देख लेते हैं, जिस फोल्डर में सेव किया था, इट वॉज अ डिफरेंट फोल्डर। चलिए एक बार जो कंफर्मेशन वाला आया था उसको हम खोल के देख लेते हैं। ये हमारी एक्नॉलेजमेंट की स्लिप आ गई है, नंबर वगैरह भी हमारा आ गया है। और एक बार दोबारा हम इसको खोल लेते हैं, प्रिंट फॉर्म 26QC, ये कहाँ सेव कर रहा है, सेव, सेव एज PDF, और ये कहीं मिसलेनियस फोल्डर्स में कर दिया। अभी हम इसको हमारा नॉर्मल जो एक डेस्कटॉप पे था उसमें हम सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप RK एंड हेयर। इसको अब हम व्यू कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारी आएगी, फॉर्म 26QC हमारा ये बन के आ गया है। ये हमारे रिकॉर्ड्स के लिए हम इसको रख सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी हमने फीड करी थी। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट, टैक्स डिपॉजिट। हाथ के हाथ हम कर देते तो वही काम खत्म हो जाता, लेकिन अभी ये एक नेक्स्ट स्टेप पे चला गया है, क्योंकि कुछ केसेस में शायद नहीं हो पाता है, या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग करते हैं, बाद में आपका क्लाइंट करता है पेमेंट, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ दोबारा आ जाएंगे, जो हमने TDS ऑन रेंट ऑन प्रॉपर्टी का पेज था NSDL की साइट पे, वहां के एक ऑप्शन आ रहा है ई टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट। तो ये लिंक पे हम आए, यहाँ हमने दोनों का पैन डाला, पहले टेनेंट का डाला, फिर लैंडलॉर्ड का डाला हमने पैन, और हमने एक्नॉलेजमेंट नंबर डाली। देखिए इसको डाल के देखते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा, फाइनेंशियल ईयर डाला, और ये कैप्चा इमेज डाली। And we will submit this. ये देखिए आपका आ गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ रही है, और वो बाकी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं जो भी हमने डाली थी। और यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं, नेट बैंकिंग से भी आप इसको पे कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ बैंक का नेम जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उस बैंक के उस साइट पे आपको ले जाएगा। जैसे हम लेट्स से ICICI बैंक सेलेक्ट करते हैं और सबमिट टू द बैंक फॉर ई पेमेंट, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ये बैंक की साइट पे ले जाएगा, और यहाँ पे आप नॉर्मली जैसे अपने इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं नॉर्मल, उसी तरह से आप करके ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका टैक्स का पेमेंट भी हो गया, आपका फॉर्म जो फाइल होना था TDS स्टेटमेंट और चलान तो एक ही है 26QC, वो काम भी आपने कर दिया। अब आपका आखिरी काम बचता है TDS सर्टिफिकेट इशू करना, टाइमली करना है। मार्च वाले केसेस पूरे साल जिनकी टेनेंसी थी या मार्च में भी एक्सपायर नहीं हुई है, आपको 30 अप्रैल तक ये काम कंप्लीट करना है, और विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16C इशू करना है। दैट मीन्स 15 मई तक हमें ये TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना है। ये सर्टिफिकेट हम ट्रेसिस की साइट से इशू कर पाएंगे, तो ट्रेसिस की साइट पे भी आपको एज अ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वहां से आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे और जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको दे पाएंगे।
तो ये पूरा प्रोसेस था जो नया सेक्शन आया है हमारा रेंट का, इन केसेस में जो इंडिविजुअल्स एचयूएफ हैं जहां इवन टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, बट उन केसेस में भी कुछ केसेस में जहां 50,000 से ज़्यादा रेंट है वहां उनको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करना। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट को भी आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग।